अभी कृष्ण की बात बताया, शिव ने आकर क्या किया, किसको ज्ञान सुनाया? शिव ने आकर के जिस व्यक्ति को सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उस ब्रह्मांड के मालिक ने आकर इस सृष्टि पर किसको ज्ञान सुनाया? उसका नाम सारे ब्रह्मांड का, उसका नाम ब्रह्मा रखा। अगर आप में से किसी को सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है तो कोई बताओ, उसका नाम रखेंगे ब्रह्मा। किसी को सारे ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाया, किसी के पास है तो बताओ, कोई मुझे पता है सारे ब्रह्मांड का ज्ञान, हाथ उठाओ जिसने भी लिखा हो, कोई भी साधु संन्यासी किसी को पूछो। फिर पूछता, अगर ब्रह्मांड का आत्मा, ब्रह्मांड में आत्मा रहती है, आत्मा का रहती शरीर में, पूछ लो आत्मा के पास क्या है, पूछ लो इस शरीर में आत्मा कहाँ है वो पूछ लो। हर पूछना पड़ेगा, अगर उनके पास जमा ज्ञान है, ब्रह्मांड में आत्मा रहती, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है वो, उसका रूप क्या है, उसके पास कौन सी शक्ति है, ये ज्ञान जिसके पास है उसका किसने सुनाया? जिस ब्रह्मांड के मालिक ने दिया उसका नाम ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के द्वारा जिसको मिला तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार है। वो ब्रह्मा ने अब उस ज्ञान और उसकी शक्ति से अपने पाप मिटाया, कर्मातीत हुआ। तब मैंने आपको पूछा कि कोई भी देवात्मा, धर्मात्मा, गुरु, इतने धर्मात्मा है, गुरु नानक देव जी है, महावीर है, बुद्ध है, सत्य साई बाबा चमत्कार दिखाता था कितना, कहां गए? उनको भी आना चाहिए ना। एक ही ब्रह्मा इस तन दादा लेकर आज की आत्मा कर्मातीत होकर के गुलजार दादे के तन में आती है, और कोई गया हुआ आया?